हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एल्डोल तथा क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया के बारे में। और दोस्तों, ये अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है इस चैप्टर का, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक का। टॉपिक एकदम सिंपल तरीके से अपन समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर बार की तरह उस पूरे टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि लास्ट में ये आपके लिए मक्खन हो जाए। छोटी सी एडवाइस है, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात अपन को ये समझनी है कि ये अभिक्रिया कौन दे सकता है। तो आपके पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, कार्बोनिल यौगिक आप समझते हो, कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ होना अनिवार्य है। अब ये कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है। मान लो ये आपका एल्डिहाइड है, तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से। ध्यान से आप समझिएगा, ये जो आपका एल्डिहाइड समूह है, इस एल्डिहाइड समूह के जस्ट पास वाला जो कार्बन है, उसको अपन कहते हैं अल्फा कार्बन। उसके पास वाला जो होगा जस्ट, उसको अपन कहेंगे बीटा कार्बन। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अल्फा कार्बन क्या होता है और बीटा कार्बन क्या होता है। बहुत सिंपल है कि जो आपका कार्बोनिल समूह है, उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है वो आपका अल्फा कार्बन है, और उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है वो बीटा है। ऐसे ही इसके आगे वाला गामा कहलाएगा। ओके, इस कार्बन ने दो बंध बना रखे हैं, दो बंध हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने एक बंध बना रखा है, तीन बंध हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब आप वापस समझिए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन किसके ऊपर है, इस कार्बन के ऊपर, और ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। तो इस हाइड्रोजन को भी अपन क्या नाम देंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये भी क्या कहलाएगी, अल्फा हाइड्रोजन। ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन जिस कार्बन के ऊपर है उसका नाम क्या है, बीटा। तो ये तीनों जो हाइड्रोजन है ये कहलाएगी बीटा हाइड्रोजन। तो दो बातें बहुत सिंपल सिंपल याद रखनी है इस टॉपिक के लिए, कि जो आपका कार्बोनिल समूह है उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा होता है, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन। दूसरी बात, उसके पास वाला कार्बन बीटा होता है और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, आपकी बीटा हाइड्रोजन। आई होप यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब एक मैं आपके सामने बनाता हूं एल्डिहाइड। इस कार्बन को जो कि अल्फा कार्बन है, इसके हाइड्रोजन को अपन ऐसे दिखाते हैं। चलिए, तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका बीटा कार्बन, ये हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। समझिएगा, अगर मैं इस हाइड्रोजन को, जो कि कौन है, अल्फा हाइड्रोजन है, अगर मैं इस अल्फा हाइड्रोजन को H प्लस बना करके बाहर निकालूं, तो क्या होगा, देखना। अगर ये H प्लस बन के बाहर निकलता है तो उसके बाद क्या होगा, C डबल बॉन्ड O H, यहां हो जाएगा C, एक हाइड्रोजन बचेगा, इस कार्बन के ऊपर तीन हाइड्रोजन है, इसको लिख दो CH3। देखिए, ये हाइड्रोजन H प्लस बन के बाहर गई है, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस। मतलब हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर देकर के H प्लस बन के बाहर निकल चुकी है। अब यहां से कहानी शुरू होती है। सुनिए, इसके बाद ये जो चीज बनी है, हमें ये विचार करना है कि क्या ये चीज स्थाई है या ये अस्थाई है। सोचिए, यहां पे अनुनाद हो सकता है। अनुनाद कैसे हो सकता है, अगर ये बंध यहां पर जाए तो ये यहां जा सकता है, और इसकी दूसरी अनुनादी संरचना कैसे बनेगी, देखिए, CH3CH, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये इसके ऊपर आएगा, किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस पर क्या आता है, माइनस आता है, इस पर आ जाएगा माइनस सात वाली हाइड्रोजन। अगर फिर से देखें तो ये माइनस फिर से यहां जाएगा, ये यहां पे चला जाएगा,
वापस से ये वाली स्थिति आ जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या चीज संभव है, अनुनास संभव है, और अनुनास से क्या आता है, स्थायित्व आता है। तो मोटी मोटी बात आपको समझनी है वो ये है कि जो आपके कार्बोनिल यौगिक होते हैं उसके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, अगर वो H+ बन के निकलती है तो जो चीज बचती है वो अनुनाद की सहायता से स्थाई है। मतलब यहाँ पे H+ का निकलना, अगर अपन दृष्टिकोण से समझें तो यहाँ से H+ का निकलना आपके लिए आसान है, क्योंकि H+ के निकलने से जो चीज बन रही है उसके स्थायित्व की प्राप्ति अनुनाद कर रहा है। समझ में आई ये बात आपको? पक्का क्लियर हुआ ना कि ये एच प्लस निकल सकता है? ठीक है, तो यहां पे मैं एक चीज लिख देता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन एच प्लस के रूप में निकल सकती है। इस पॉइंट को आप नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और इस टॉपिक में कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। तो पहला मेजर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि अल्फा हाइड्रोजन कौन है, बीटा हाइड्रोजन कौन है। फिर मैंने आपको ये समझाया कि कार्बोनिल समूह में अगर आप अल्फा हाइड्रोजन को H+ के रूप में निकालो तो H+ के रूप में निकालने के बाद जो चीज बचेगी मुन्ना, ये अनुनाद की सहायता से क्या है, स्थाई है। और इसी बात को याद रखेंगे, और अल्फा हाइड्रोजन का H+ के रूप में निकलने से ही ये अभिक्रिया होती है। अभी समझाऊंगा, फटाफट से पहले इसकी फोटो खींच लो और नोट कर लो, ठीक है? डू इट, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो अभी तक एक कहानी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, और वो कहानी ये है कि आपका जो कार्बोनिल यौगिक है उसका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल सकता है, क्योंकि उसके बाद जो बनेगा वो अनुनाद की सहायता से स्थाई है। ठीक है, तो एक पॉइंट अपन खास लिख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन पर्याप्त अम्लीय होता है, मतलब H+ दे सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहां से आपके एल्डोल अभिक्रिया की शुरुआत होती है। बिल्कुल फोकस करके समझिएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, मैं एक सिंपल सा लेता हूं C डबल बॉन्ड ओ एच, और इसका ये आपका हो गया कार्बोनिल समूह, इसके जस्ट पास वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, यहां पे इसके ऊपर तीन बंद इसके जो है वो आपके बचे हुए हैं, तो तीन हाइड्रोजन लगेगी और तीनों हाइड्रोजन को अपन क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं दो हाइड्रोजन को तो एक पेन से दिखाता हूं और अगली वाली को ब्लू पेन से, ताकि आप समझ सको कि वो किस तरह से चल रहा है मामला। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपन इसकी अभिक्रिया जब किसी क्षार से कराएंगे, तो क्षार जैसे कि मान लो NaOH से आपने कराया, तो NaOH आपको क्या प्रदान करेगा, OH माइनस। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि OH माइनस को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, H+ पसंद है। इस पूरे के अंदर कौन सी हाइड्रोजन ज्यादा H+ के रूप में निकलना पसंद करेगी, ऑब्वियसली बात है अल्फा हाइड्रोजन, इसके बारे में भी अपन ने बात करी है। तो होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझना, ये जो OH- है जो कि क्षार है, ये OH- इस H+ को अपने पास बुला लेता है, और ये जो कार्बोनिल समूह है ये भी अपने इस H को दे देता है, क्योंकि इसके निकलने के बाद जो बनेगा हम पढ़ चुके हैं कि वो अनुनाद की सहायता से स्थाई है। यहां तक चमक गया अच्छे से? तो सबसे पहला काम करते हैं, इसको भेजते हैं। जब ये H+ इस OH- से मिलेगा तो बनाएगा जल, H+ प्लस OH- जल बनेगा, साथ में क्या बचा, CH2- CH2- क्योंकि निकल गया H+ बनके, साथ में कौन है, C डबल बॉन्ड OH। और ये बात सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये बहुत स्थाई है, क्योंकि जब ये माइनस यहां शिफ्ट करेगा ये यहां शिफ्ट कर जाएगा, और अनुनाद की सहायता से स्थायित्व की प्राप्ति इसको हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होता है, तो पहला स्टेप हो गया कार्ब ऋणायन का निर्माण, और सबसे ज्यादा खास बात जो थी ना वो ये थी कि ये हाइड्रोजन क्यों गई, वही अपन समझ रहे थे, अल्फा हाइड्रोजन गई क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय होती है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको लेंगे, समझना, ये जो CH3C डबल बॉन्ड OH माइनस है, अब ये क्या करेगा, ये अपने दूसरे भाई के ऊपर अटैक करेगा। इसका दूसरा भाई मतलब आपने इसको लिया था,
ये कौन है? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये तो खूब सारे पड़े हुए हैं। तो एक CH3 C डबल OH ने इससे अभिक्रिया करा, ये बना लिया। अब ये जो है अपने जैसे ही दूसरे भाई के ऊपर आक्रमण करेगा, अपने जैसे ही दूसरे भाई के ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर CH3 C डबल बॉन्ड OH। और घबराने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंटेनर के अंदर, आपके पात्र के अंदर खूब सारे आपने क्या डाल रखे हैं? CH3 C डबल OH। तो सबसे पहले क्षार के साथ अभिक्रिया करके कार्बन आयन का निर्माण होता है, फिर आपका कार्बन आयन जो है इससे वापस अभिक्रिया करता है। अब यहां अभिक्रिया कैसे होगी समझो, इसके ऊपर माइनस है, यहां ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखेगा और ये बनेगा पार्शियल नेगेटिव और ये बनेगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, यहां तक दुनिया में सब जानते हैं कि माइनस को प्यार होता है प्लस से और प्लस को प्यार होता है माइनस से। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो माइनस है, ये माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर। ठीक, जैसे ये माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये जो कार्बन है आपका, इस कार्बन के अभी कितने बंध बने हुए हैं? 1 2 3 4। जैसे ये भाई साहब जाके इससे जुड़ेंगे, इस कार्बन के हो जाएंगे 5 बंध, जो कि संभव नहीं है। इसलिए जैसे ही ये जाके इससे जुड़ेगा, ये अपना बंध कहां शिफ्ट कर देगा? ऊपर। कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। वापस सुनो, आपके किसी भी कार्बोनिल समूह में जो अल्फा हाइड्रोजन होती है, वो अल्फा हाइड्रोजन सक्रिय होती है, वो एच प्लस के रूप में बाहर निकलती है, क्योंकि उससे बनने वाली चीज अनुनाद की सहायता से स्थाई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे एल्डोल करवा रहे हैं अपन, अभी आपको समझ में आएगा। किसी क्षार की सहायता से आप जब इस एच प्लस को बाहर निकाल लेते हो, तो जो कार्बन आयन बनता है, वो कार्बन आयन अपने दूसरे वाले साथी के ऊपर आक्रमण करता है, और उसके लिए दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये बात पता है कि यहाँ पे ये पार्शियल प्लस है और ये पार्शियल माइनस है, पार्श्व आवेश है विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण। और एक मेजर कॉन्सेप्ट कि माइनस प्लस की तरफ जाता है, प्लस माइनस की तरफ जाता है, तो ये जो आपका माइनस है, ये जाएगा यहां पे। करते हैं, देखो इसको मैं पहले बना लेता हूं। ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड OH। ध्यान से करना, इस टॉपिक में अब आपको उंगली रख के करना पड़ेगा। तो सी डबल बॉन्ड OH लिखो, लिख लिया आपने, पास में कौन है? CH2। धीरे धीरे करना है, जल्दी नहीं करनी है। लिख लिया CH2। ये CH2 किससे जाकर के जुड़ चुका है? इस कार्बन से। तो यहां से उंगली ले आओ इस कार्बन के ऊपर, लिखो इस कार्बन को। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? CH3। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड हो गया सिंगल, और ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है? माइनस। क्लियर? बताइए। और आप इस वीडियो को अभी 10-20 सेकंड वापस से पीछे लेके चले जाओ, और जैसे मैंने ऐड किया है उसको वापस से देखो, क्योंकि एडिशन और ये कैसे बना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब पे देख रहे हो, आपके पास बहुत बड़ा फीचर है बैक करके वापस से वीडियो को देखने का, तो 20-30 सेकंड बैक कर लो, और किस तरह से मैंने कनेक्ट किया उंगली रख के, वैसे आप खुद भी मेरे साथ करो और कॉपी में करके देखो, फिर वीडियो को आगे बढ़ना। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, इसको लिखो वापस। चलो इसको लिखते लिखते मैं वापस समझा देता हूँ। यहाँ शुरू करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच, पड़ोस में कौन है? CH2। ये किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन पे आ जाओ, ये वाला कार्बन। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। इस कार्बन से जोड़ के लिख दो हाइड्रोजन। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? CH3। लिख दो CH3। इससे डबल बॉन्ड ओ था, सिंगल बॉन्ड ओ होके माइनस आ गया। ठीक है जी, अब ये वापस से अभिक्रिया करेगा इस जल से, और जल में पूरी दुनिया जानती है क्या होता है, जल के अंदर होता है H प्लस OH माइनस। तो ये जो O माइनस है वो इस H प्लस को अपने पास ले लेगा, और क्या बनेगा देखो, CH3 C OH हो जाएगा, यहाँ पे H, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये आपकी एल्डोल अभिक्रिया संपन्न होती है।
अभी मैं आपको अभिक्रिया की क्रियाविधि समझा रहा था, अब डायरेक्ट चुटकियों में कैसे करते हैं, एग्जाम में फटाफट कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी सिखाऊंगा। बट ये एग्जाम में अगर आता है 3 नंबर में कि आप क्रियाविधि को समझाओ, तो आपको ऐसे करके आना पड़ेगा। और उसके नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप एप्लीकेशन पर जाके परचेज कर सकते हैं। अच्छे से नोट्स बने हुए हैं कि भाई कैसे एग्जाम में लिख के आना है। अभी अपन समझ रहे हैं, वापस समझ लो, आपके पास जैसे आप क्षार से अभिक्रिया कराओगे अब आप ये पढ़ सकते हो, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो तनु NaOH के साथ संघनन, संघनन मतलब जुड़ना, उसके साथ जुड़ करके एल्डोल देते हैं। तो ये जो चीज लास्ट में बनी है यही आपका एल्डोल है। और आप देखो ध्यान से आगे बोल रहा है, एल्डोल में अल्कोहल तथा एल्डिहाइड दोनों समूह होते हैं। आप चेक करो जी, इसके अंदर अल्कोहल भी है और इसके अंदर एल्डिहाइड भी है, तो इसमें दोनों चीजें होती हैं, इसमें अल्कोहल भी होता है और इसमें एल्डिहाइड भी होता है। क्लियर हो गया पॉइंट, वापस एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो आपका एल्डिहाइड है वो आपके डाइल्यूट NaOH से अभिक्रिया करेगा। कैसे, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये बहुत सक्रिय है, ये OH- से जुड़ करके जल को बाहर निकालेगा और ये आपका कार्बन आयन का निर्माण होगा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू में ये जो बना है ये फिर से अटैक करेगा दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर। उस अटैक को समझना बहुत आसान है अगर आप ये जानते हो कि कौन प्लस है और कौन माइनस है। ठीक, तो ये माइनस इसके पास जाएगा, जैसे इसके पास जाएगा कार्बन के हो जाएंगे 5 बॉन्ड, कार्बन के 5 बॉन्ड्स अलाउड नहीं है, तो ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा इस तरह से। देन द लास्ट स्टेप, जिसमें आपका वाटर जो यहाँ बना था अगेन रिएक्ट करेगा और वाटर का जो H+ है उसको O- पुल करके लास्ट में फॉर्मेशन करेगा आपके एल्डोल की। दैट्स इट। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद जो है अपन फिर डायरेक्ट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। आपको ये सब एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, अगर केवल अभिक्रिया करवा रहा होगा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे डायरेक्ट हो जाएगा। तो फटाफट आप इसकी फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम प्रोसीड करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब एल्डोल अभिक्रिया को डायरेक्ट कैसे करते हैं अपन वो सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना है, आपके पास दो एल्डोल दिए हुए होंगे, दो एल्डिहाइड दिए हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है CH3CHO, एक को ऐसे लिख लो, दूसरे को सिंपल लिख लो। अब जो बात मैं कह रहा हूं उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। आपको एक एल्डिहाइड की अल्फा हाइड्रोजन पे फोकस करना है, लिख लो भले, मतलब डायरेक्ट करने की ट्रिक जो है वो ये है, फोकस ऑन अल्फा हाइड्रोजन ऑफ वन एल्डिहाइड। थोड़ा इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल बात है कि एक एल्डिहाइड जो है आपका, उस एल्डिहाइड की अल्फा हाइड्रोजन पे आपको ध्यान देना है और उसको अलग से लिख लेना है अच्छे से। दूसरी चीज, जो दूसरा वाला एल्डिहाइड है, सेकेंड एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, उसका आपको मेन ग्रुप काम में लेना है। मेन ग्रुप का मतलब क्या है, मेन ग्रुप का मतलब है ये वाला, ये मेन ग्रुप है जिसमें आपको पता है ये पार्शियल धनात्मक है, पार्शियल ऋणात्मक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डायरेक्ट ट्रिक, तो डायरेक्ट ट्रिक को समझने के लिए पूरा फोकस करके देखिएगा और पॉइंट बाय पॉइंट मेरी बात को याद रखिएगा। पहली बात, जो आपका पहला एल्डिहाइड है उसके आप अल्फा हाइड्रोजन पे ध्यान देंगे, जो आपका दूसरा एल्डिहाइड है उसके आप मेन ग्रुप पे, मुख्य समूह पे ध्यान देंगे। कुछ नहीं करना, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन जाकर के कनेक्ट होगी इस ऑक्सीजन से, और ये जो कार्बन है इसका ये जो बंध टूटा है ये जुड़ेगा इस कार्बन से। इतना सा काम करना है, छोटा सा काम बट फोकस के साथ में, गलती नहीं होनी चाहिए। वापस समझो, जो आपका कार्बन है जिसकी अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकल करके अगले वाले की ऑक्सीजन पे जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है, समझना, दूसरी बात ये है, ये जो कार्बन है वो इससे जुड़ेगा। करते हैं, देखना, इसको लिखो। और इसमें एक बात है, ऐसे उंगली रख के करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गलती हो जाती है। शुरू करते हैं, तो C(OH) हो गया, फिर मैंने क्या कहा आगे बढ़ो CH2,
इस CH2 की हाइड्रोजन तो गई, ये कार्बन किससे जुड़ रहा है, इस कार्बन से, यहां से उंगली ले आओ इस कार्बन पे, पड़ोस में कार्बन, इससे कौन जुड़ा हुआ है CH3, इस कार्बन जुड़ा हुआ है CH3, इससे कौन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इस कार्बन जुड़ी हुई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मेरी उंगली अभी भी उसी कार्बन पे है, ये बात आपको नोट करनी है। ये डबल बॉन्ड उसे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O हो गया। इस O के ऊपर कौन सी हाइड्रोजन आएगी, ये वाली, तो उस O पे हाइड्रोजन आ जाएगी ये वाली, done, ऐसे आपको करना है। कोई बात नहीं, एक बार में समझ में नहीं आता है अपन दोबारा समझते हैं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, एक बार वापस समझते हैं। चलिए वापस से एक बार समझ लेते हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है, आपको एक जो एल्डिहाइड है आपका या कीटोन है उसके अल्फा हाइड्रोजन पे ध्यान देना है और दूसरे वाले के मुख्य समूह पे। शुरू करते हैं, C डबल बॉन्ड OH, उससे कौन जुड़ा हुआ है, ये CH2, ऐसे लिखेंगे बकायदा उंगली रखते हुए CH2, ये हाइड्रोजन जा चुकी है, ये CH2 किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, इस कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, ये CH3, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, ये वाली ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के ऊपर ये हाइड्रोजन आपको कनेक्ट करना, ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार है। इतना आसान है, एकदम सिंपल है, ठीक है, मजा आया। अगला करते हैं, सेकंड एग्जांपल, मान लो जी ऐसा होता, और हाँ ये क्षार की उपस्थिति में होता है, मान लो ऐसा होता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, ये डायरेक्ट कराया अपन ना, मैकेनिज्म पहले पढ़ चुके, दिस वन सेम चीज दोबारा, और आपसे कहा जाता है इसका एल्डोल करवाओ, चलो करें, जो बात मैंने बताई है उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, गलती नहीं करनी है, शुरू करें। मैंने क्या बताया था, पहली बात फोकस ऑन अल्फा हाइड्रोजन ऑफ वन एल्डिहाइड, तो कोई भी एक एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन को आप चिन्हित कर लीजिए, मैं लेता हूं इसको, समझो ये आपका मेन समूह है, इस कार्बन के जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन की किसी भी एक हाइड्रोजन को आप अलग से लिख लो ऐसे, तो ये आपकी जो हाइड्रोजन है ये कौन सी है, अल्फा हाइड्रोजन, हो गया। अब समझो, एक का तो अपन ने अल्फा हाइड्रोजन को चिन्हित कर लिया, दूसरे वाले के लिए क्या करते हैं अपन, दूसरे वाले के मेन ग्रुप पे ध्यान देते हैं, तो ये जो दूसरा वाला है इसका मेन ग्रुप ये है, ठीक, और इसके मेन ग्रुप में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव पता है ना, ये जो कार्बन है ये पार्श्व धनात्मक है और ये जो ऑक्सीजन है वो पार्श्व ऋणात्मक है, ठीक है। इसके बाद लॉजिक आपको पता है क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के पास जाएगी ऐसे, और ये जो कार्बन है ये कार्बन आपके इस कार्बन से जुड़ेगा, इतना तो अपन को समझ में आ चुका है जैसे ऊपर किया था। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि अगर आप इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलोगे, मैं अभी करके दिखाऊंगा, अगर आप ऐसे उंगली रख के पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलोगे तो कहीं का कार्बन कहीं जुड़ जाएगा और फिर आप एल्डोल नहीं सीख पाओगे, इसलिए जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना। शुरू करते हैं, देखना ये वाले हाथ से मैं पॉइंट करूंगा, इस वाले हाथ से लिखूंगा, ध्यान देना, सी डबल बॉन्ड ओ एच हो गया, इसके पास में कौन है, सी एच, अल्फा कार्बन, इस सी एच का ये एच तो विदा हो गया, इस सी एच से कौन जुड़ा हुआ है, सी एच थ्री, सी एच थ्री, अब ये सी एच किससे जुड़ रहा है, इस कार्बन से, तो ये सी एच जुड़ेगा इस कार्बन से। अब इस कार्बन के बारे में सोचो, इससे कौन जुड़ा हुआ है, सी एच टू सी एच थ्री, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है सी एच टू सी एच थ्री, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, सॉरी ये हाइड्रोजन भी है, लिख लो कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ इसके दो बंद से एक बंद हो गया और इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, तो इस ऑक्सीजन को मिल गया ये वाला हाइड्रोजन, डन। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, यहां पे जाके इस सी एस थ्री को कनेक्ट कर देंगे इससे, तो जबकि सी एस थ्री ऊपर आना चाहिए, ऐसी गलती क्यों होती है, अगर आप यहां ऐसे फिंगर रख के प्रॉपरली करोगे, डॉट टू डॉट कनेक्ट करोगे, तो वो मिस्टेक नहीं होगी और ये टॉपिक आपके लिए मक्खन रहेगा। चलो एक बार वापस करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर से करते हैं। चलिए जी वापस करेंगे,
सबसे पहले बताया था एक एल्डिहाइड की अल्फा हाइड्रोजन को चिन्हित कर लीजिए, दूसरे वाले के मुख्य समूह को जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ शुरुआत करेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ एच लिखो, ऐसे फिंगर रख के, घर पे भी ऐसे ही करना है, कॉपी में भी ऐसे ही करना है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन है, सी एच, इस सी एच से कौन जुड़ा हुआ है, सी एच थ्री, इस सी एच के साथ कौन था, हाइड्रोजन, जो कि गया, अब ये सी किससे जुड़ रहा है, इससे, यहां आ जाओ, इस कार्बन के साथ कौन है, हाइड्रोजन लिख लो, इस कार्बन के साथ और कौन है, सी एच टू सी एच थ्री लिख लो, इसके पास ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड था, अब वो हो गया सिंगल, और इस ऑक्सीजन के पास कौन आ गया, ये वाला हाइड्रोजन, डन। आई होप अब आपके लिए एल्डोल मक्खन हो गया होगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर आपके लिए एक मजेदार खबर है, एक होमवर्क मैं आपको दूंगा और उस होमवर्क को करके सबसे पहले जो बच्चे भेजेंगे उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान है, आप इसका फोटो खींच लो फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ एल्डिहाइड में बना करके दे रहा हूँ और आपको उनका एल्डोल संघनन करवाना है, दोनों सेम है, और जब ऐसे दोनों एल्डिहाइड सेम होते हैं तो उसको कहते हैं सरल एल्डोल, और जब दोनों अलग अलग होते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्रित एल्डोल। मिश्रित अपन अगले वीडियो में करेंगे, ये करना है आपको। दूसरा ये ऐसे कैसा सेम, बस ध्यान रखिएगा, एक का आपको अल्फा हाइड्रोजन लेना है, दूसरे का आपको मेन समूह लेना है, उसमें गलती नहीं करनी है बस। चलिए ये दो आपको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए, जब भी ये वीडियो अपलोड होगा उस अपलोड टाइम के बाद में एक घंटे बाद आपके पास चांस होगा कि आपको ये दोनों सॉल्व करके हमारी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वहाँ पे एक चैट सेक्शन आता है, उस चैट सेक्शन में आपको क्या करना है, इन दोनों को हल करके भेजना है। आपके वीडियो अपलोड होने के बाद अगले एक घंटे के अंदर अंदर जो 10 बच्चे, जो 10 स्टूडेंट्स हमको ये बिल्कुल सही करके इमेज खींच के वहाँ चैट सेक्शन में भेजेंगे, उनको हम 50% ऑफ देंगे हमारे सारे कोर्सेज पर, हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर उनको 50% ऑफ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए कि आप जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप इन दोनों क्वेश्चंस को होमवर्क करके आपको एप्लीकेशन पे एक घंटे के अंदर भेजना है, जो 10 बच्चे सबसे पहले भेजेंगे उनको हम 50% हमारे कंटेंट में ऑफ देंगे स्टोर के अंदर, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, फटाफट से होमवर्क करना और तुरंत सेंड कर देना ताकि आप इस ऑफर को जीत सको। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है सरल एल्डोल संघनन, सरल का मतलब दोनों एल्डिहाइड एक जैसे होंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे मिश्रित, तब तक आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, इनको करके सेंड कर दीजिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मुझे कमेंट सेक्शन में 2 मिनट का समय निकाल के जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अभी तक अगर आपने हमारी एप्लीकेशन में बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बैच ज्वाइन कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हाउ टू ज्वाइन द बैच, जो वीडियो बना रखा है उसका लिंक, देख करके तुरंत ज्वाइन कर लो ताकि आप भी हमारे साथ अच्छे से पूरे साल पढ़ाई कर सकें। So guys, thanks for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon for daily notifications. Bell icon जरूर दबाना है क्योंकि पूरे साल 9, 10, 11, 12 BSc की वीडियो अपलोड होते रहेंगे, आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, और इस तरह के ऑफर बहुत सारे आएंगे। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अगर वो अलर्ट रहेंगे तो वो भी अफोर्ड कर पाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और एक और बात, हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप रेटिंग देते हैं तो रेटिंग देके जब उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो भी हम आपको एक डिस्काउंट ऑफर करेंगे। तो रेटिंग करिएगा जाके एप्लीकेशन की और इस तरह के ऑफर्स को आप तुरंत ग्रैब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।